यो आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। ये है महिंद्रा जी CL500 MDI 2-व्हील ड्राइव और रूटर पंप के साथ है इसका इंजन। और इसमें बड़ा इंजन होता है, मेजर से छोटा, DI से बड़ा, बीच बीच का इंजन है इसमें। और ये है 2002 मॉडल। ये देखो 2002 मॉडल है ये इसकी साथ की लाइट है और ये आफ्टर मार्केट लाइट लगी है इसमें। ये महिंद्रा वाली प्लेट कुछ इस तरह की आती थी इसमें। इसमें जो है एक बार पेंट हुआ, पेंट करवा दिया गया है इसमें। हुड भी चेंज है, रीपेंट है, मतलब रिस्टोरेशन हो चुका है। इसमें वही टायर आता है रेडियल 616 वाला, 616 ही है नी हेमंत्री जी, 616 ही है। और ये जो है डिस्क ब्रेक करवाई हुई है। ये देखो ब्रेक, डिस्क ब्रेक है ये करवाई हुई है। उसके बाद में पावर स्टीयरिंग नहीं है, सिंपल स्टीयरिंग है। 4 गियर लगते हैं इसके आगे के, एक पीछे लगता है, ओरिजिनल साइलेंसर के साथ। और 8-सीटर वेरिएंट है ये। इसमें यहाँ पर बत्तियाँ ये कुछ ऐसी स्क्रीन के अंदर आती है। इसमें 4 मीटर होते हैं, बैटरी वाला नहीं होता इसमें। ये कैप्टन सीटें हैं इसकी। इसमें जो है ये चौक अलग से लगवाई हुआ है, बाकी ये स्विच से ही होती है, ऑपरेटर चालू बंद। और सस्पेंडेड पेडल जो है वो अलग से लगवाई हुई है इसमें। ये इसकी प्लेट है CL500 MDI 2-व्हील ड्राइव। व्हीकल नंबर, इंजन नंबर वगैरह ये इस पर लिखे हुए हैं। और ये भाई मिरर को आगे से नीचे करने के लिए, ये आफ्टर मार्केट घड़ी है इसमें जो कि काम नहीं करती है। कुछ ऐसा दिखता है अंदर से डैशबोर्ड। ये स्टीयरिंग है इसका, देखो ओरिजिनल जीप में ऐसी छत होती है। और पीछे से कुछ ऐसी दिखती है ये। कलर वगैरह जो है कहीं कहीं से उतरने लग गया है, क्योंकि बहुत टाइम पहले कलर करवाया था इसके। तो इसमें जो है पीछे बंद नहीं है, ये खुली है। ये स्टिपनी वाला जो कि कोई स्टिपनी लगा के रखता नहीं है। ये पीछे की सीटें, फर्श वगैरह, ये स्पीकर इसमें लगे हुए हैं। स्टिपनी इसलिए नहीं लगाते हैं लोग क्योंकि ये इतना बड़ा टायर है, पंचर तो होता नहीं है। और ये इसके पीछे ट्रॉली आज दिखी है जीप असली काम लेते हुए, क्योंकि जीप का यही यूज़ होता है ज़्यादातर। पीछे ट्रॉली जोड़ो, सामान भरो, इसमें भरो और उसमें भरो सामान और ले करके निकल जाओ, है ना। घर, ये घर बना रहा है, घर का पूरा सामान, लगभग सामान इस पर ढोया है इसने। ये अपनी वही ट्रॉली है जो आप पहले बिना पेंट के देखते थे और अब इसके पेंट हो चुका है। ये कुछ ऐसी होती है भाई, ये CL500 MDI 4 गियर वाली। अब इसकी आपको साउंड सुना देता हूँ मैं। वही है बेसिक तो नहीं, साउंड काफ़ी अच्छी है इसकी। स्टार्ट कर रहे, इसकी लुक बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि इसके जो है दोनों टायरों के बीच में जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसे हिलती है पहले, ऐसी साउंड है इसकी। नॉर्मल है इसका इंजन जो है, एक बार हो चुका है इंजन का काम हो चुका है इसका। और तो ये हैवी पेंट मांग रही है जो कि इसमें करवा देंगे। पहले पूरा बर्त लें इसको। इसमें सीट भी एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे होने वाली। वैसे हैंडल वाला सिस्टम नहीं है इसमें, ये इनको घुमा फिरा के टाइट लूज करके फिर ऊपर नीचे होती है इसकी सीट। अच्छा ये देख लो भाई, यो वाइब्रेशन इस गाड़ी का। बिल्कुल हल्का हल्का है, इतना तो होता ही है। 2002 का इंजन है इसके अंदर। फोकस कर ले भाई, ये वाइब्रेशन है भाई इसमें हल्का हल्का। फिर आ रेस देने के बाद में वाइब्रेशन बिल्कुल गायब हो जाता है इसमें। और रेस देने के बाद में साउंड सुनो कितनी ज़बरदस्त है इसकी। ये इसमें हैंड ब्रेक भाई ऐसा होता है, ये देखो दो तार सी गई हुई हैं पिछले टायरों की। इसके कार कितने गियर लगते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टॉप, ये रिवर्स।
कार के जैसे गियर है इसके। साउंड सुनो भाई, ये टर्बो चार्जर नहीं है, सिंपल है।